हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। और जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। तो मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ सूजी का हलवा। मैं यहाँ रिफाइन का यूज कर रही हूँ। सूजी डाल के इसे 5 से 10 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। फिर उसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार चीनी, और फिर चीनी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चला लेंगे। फिर उसमें डाल देंगे पानी। मैं यहाँ पानी का यूज कर रही हूँ, आप दूध भी ले सकते हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे 5 से 10 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। फिर इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और फिर इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे चलाते हुए अच्छी तरह सुखा लेंगे। और फिर इसमें आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और सूखने के बाद हलवा बनकर रेडी है। फिर इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और पूरे प्लेट में इसे एक समान फैला देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद चाकू या चम्मच की मदद से कट कर लेंगे। आप कोई सा भी शेप्स दे सकते हैं। शेप्स देने से क्या होता है कि देखने में भी अच्छा लगता है, बच्चे भी आसानी से उठा के खा लेते हैं, तो आप ऐसे भी खा सकते हो। और आज का यमी ब्रेकफास्ट बनकर रेडी है। पत्ता गोभी की सब्जी बन गया है। बेबी का दाल निकालने के बाद मैं उसमें छौंका लगाऊंगी। अब मैं चटनी बना रही हूँ। चटनी बनाने के लिए 2-3 टमाटर को नमक डालकर प्रेशर कुकर में 1 सीटी लगा लेंगे। और फिर इसे ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकाल कर चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर देंगे। फिर उसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, नमक, तेल और हरी धनिया पत्ती, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। खट्टी तीखी चटनी बनकर रेडी है। Thank you.